सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यह है मेरे पास QCY की तरफ से आने वाले ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, जिनका मॉडल नंबर है QCY TS2। और आप इन ईयरबड्स को बैंगगुड से परचेज कर सकते हो। और यदि तो आप इन ईयरबड्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इसके बॉक्स कॉन्टेंट्स के साथ में। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा चार्जिंग केस। ऊपर की तरफ है QCY की ब्रांडिंग, इस तरफ है इसके दो चार्जिंग इंडिकेटर्स, और इसके पीछे की तरफ इसके मॉडल नंबर को मेंशन किया गया है। और साथ ही में बताया गया है कि इसमें आपको मिल जाएगी 800 mAh की बैटरी, और ये 800 mAh की बैटरी आपके वायरलेस ईयरबड को लगभग 4 बार तक चार्ज कर देगी। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसे ओपन करना है, और अंदर की तरफ है हमारे दो वायरलेस ईयरबड्स, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और साथ ही में ये लाइटवेट भी है। और उसके अलावा बॉक्स में हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स। फिर आता है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको इन ईयरबड्स को कनेक्ट करने की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आखिरी में है चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB केबल, जिसे आप अपने किसी भी चार्जिंग अडेप्टर में लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ये सभी कॉन्टेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने वायरलेस ईयरबड्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे QCY की तरफ से आने वाले ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और ये पहली बार देखने पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और इन्हें चार्ज करने के लिए आपको इन वायरलेस ईयरफोन को इस मैग्नेटिक केस में कुछ इस तरह से रख देना है। और आप देख सकते हो इन दोनों ही ईयरफोन्स पर रेड कलर की लाइट को, तो इसका मतलब इसकी चार्जिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि एक स्टीरियो वायरलेस ईयरफोन्स है, तो ऐसे में जो इसका लेफ्ट वाला ईयरफोन है वो ऑटोमेटिकली राइट वाले ईयरफोन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और आपको अपने फोन के साथ में सिर्फ राइट वाले ईयरफोन को ही पेयर करना है। तो चलिए मैं अपने ईयरफोन्स को अपने फोन के साथ में पेयर करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा रेडमी नोट 7, और इसके साथ अब मैं पेयर करने वाला हूँ अपने वायरलेस ईयरफोन्स को। तो इसे अपने फ़ोन के साथ में पेयर अप करने के लिए आपको राइट वाले ईयरफोन के बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखना है, जब तक इसकी लाइट ब्लिंक होना शुरू नहीं हो जाती। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी लाइट जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है, और इन ईयरफोन का नाम हमारे फ़ोन पर भी शो हो चुका है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसे अपने फ़ोन के साथ में पेयर कर देता हूँ, और ये ईयरफोन हमारे फ़ोन के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो चुका है। और पहली बार इसको अपने फ़ोन के साथ में पेयर करने पर आपको 20 से 25 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स हमारे फ़ोन के साथ में हो चुकी है सक्सेसफुली कनेक्ट, और यहाँ पर आपको इसकी बैटरी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो इन ईयरफोन्स की बैटरी है 100%। तो चलिए अब हम चलते हैं म्यूजिक ऐप पर और टेस्ट कर लेते हैं इस ईयरफोन की साउंड क्वालिटी और बटन फंक्शनैलिटी को। तो फ्रेंड, दोनों ही ईयरफोन्स पर दिए गए इस बटन को आप सिंगल प्रेस करने पर सॉन्ग को प्ले या पॉज कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप एक बार इस बटन को प्रेस करने पर सॉन्ग को पॉज या फिर प्ले कर सकते हो, और इस बटन को दो बार टैप करने पर आप नेक्स्ट सॉन्ग में जा सकते हो। और इसी तरह से कॉल के टाइम पर भी आप इस मल्टीफंक्शन बटन को यूज कर सकते हो। यदि तो आप 1 सेकंड तक इस बटन को होल्ड करके रखेंगे तो आप इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, और या फिर सिंगल टैप करने पर आप कॉल को आंसर या फिर एंड भी कर सकते हो। और इसके साथ ही यदि आप इस बटन को ड्यूरिंग कॉल टाइम डबल टैप करते हो तो आप इसके माइक्रोफोन को म्यूट या फिर अनम्यूट भी कर सकते हो। और इसके अलावा ड्यूरिंग कॉल टाइम पर यदि तो आप इस पर दिए गए बटन को 1 सेकंड तक होल्ड करके रखते हो तो आप इसके ऑडियो को अपने फोन पर स्विच कर सकते हो। और स्टैंड बाय मोड पर यदि तो आप इस बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखते हो तो आप अपने फोन पर गूगल असिस्टेंट को यूज कर पाएंगे, कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि तो हम बात करें इन ईयरफोन्स के डिज़ाइन और क्वालिटी की, तो डिज़ाइन तो इन ईयरफोन्स का काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और प्रीमियम है। और यदि तो मैं आपको इसके ईयरबड को उतार कर दिखाऊं, तो अंदर की तरफ आपको कुछ इस तरह की ग्रिल देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे है इसके दो चार्जिंग पॉइंट्स। तो डिज़ाइन के साथ साथ क्वालिटी भी आपको इन ईयरफोन्स में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ आपको दोनों ही ईयरफोन्स में मिल जाते हैं इनबिल्ट माइक्रोफोन्स, तो ऐसे में कॉल के टाइम पर या फिर गूगल असिस्टेंट यूज़ करते वक्त आप किसी भी ईयरफोन को यूज़ कर सकते हैं। और यदि तो हम बात करें इसके चार्जिंग केस पर दी गई मैग्नेट की, तो मैग्नेट इसके चार्जिंग केस में जो आपको मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ इस तरह से करने पर भी ईयरफोन्स इस केस में से बाहर नहीं गिरते। और उसके अलावा बैटरी बैकअप भी इन ईयरफोन्स में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ईयरफोन लगभग 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं, और फुल चार्ज होने के बाद ये आपको 3.5 से 4 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इन ईयरफोन की साउंड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने इन ईयरफोन्स को बैंगगुड से परचेज किया है। और यदि तो आप भी इन ईयरफोन्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।